हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। धोबियों ने धोए सड़क पर कपड़े, ये आम बात नहीं है, नए तरह का आंदोलन है जो जलगांव में किया गया है। दरअसल परिट समाज द्वारा काफी समय से कई मांगे सरकार के सामने रखी जा रही है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अक्सर सामान्य आंदोलन कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया, किंतु जब कुछ नहीं हुआ तो अब सोमवार को जिलाधिकारी दफ्तर के सामने समाज के महिला पुरुष इकट्ठा होकर सड़क पर कपड़े धोते नजर आए। डॉक्टर दशरथ भांडे समिति का अहवाल शिफारस परिट धोबी समाजाला अनुसूचित जमाती लागू करावा असं डॉक्टर दशरथ भांडे समितीने सुद्धा शासनाला अहवाल दिलेला आहे। तरी सुद्धा शासनाने आजपर्यंत 61 वर्ष झाले असल्यावर सुद्धा आज परिट समाजाला आरक्षण शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक या सुविधापासून वंचित ठेवलेलं आहे। लोकप्रतिनिधींचं लक्ष या परिट समाजाकडे जावं या उद्देशाने लोकप्रतिनिधींचाच कपडे धुण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी समन्वय समितीच्या आदेशानुसार या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। अब इनके सड़क पर कपडे धोने से सरकार की नजर में क्या आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन समाज बंधुओं ने अपनी तरफ से उग्र रूप दिखाने की शुरुआत तो कर ही दी है, जो लगातार जारी रहेगी। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।